दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपका बंटवारा हो गया है, इसके बावजूद भी आपका जो भाई है चालाकी से जालसाजी करके आपके हिस्से का ज़मीन बेच देता है, तो फिर आप यहां पर क्या करेंगे। दोस्तों अगर आपका बंटवारा हो चुका है, इसके बावजूद भी आपका जो भाई है वह आपके साथ धोखाधड़ी करके आपके हिस्से का ज़मीन बेच देता है और आपको कुछ समय बाद पता चलता है, तो फिर आप यहाँ पर निश्चित ही घबराएंगे, क्योंकि आपके हिस्से का अगर कोई ज़मीन जालसाजी करके बेच दे तो परेशान होना लाजमी है। तो अब सवाल उठता है कि आप यहाँ पर क्या करेंगे। दोस्तों अगर आपका बंटवारा हो गया है, इसके बावजूद भी अगर आपका भाई आपके हिस्से का ज़मीन बेच दे, तो फिर आप यहाँ पर बिना देरी किए हुए कोर्ट में जाएं। आप समय बिल्कुल भी बर्बाद न करें। अगर आपका पुश्तैनी ज़मीन था तो उसका खतियान होगा और उसके साथ साथ आप एक वंशावली भी बनवा लें, और फिर पहले जो आपका पूर्वजों का ज़मीन था उसका कोई डीड होगा, और फिर आपका जो बंटवारा हुआ था उसका भी पेपर होगा। आप इन सभी पेपर के साथ कोर्ट में केस फाइल करेंगे, फिर कोर्ट जो है पूरे मामले को देखेगा, हर डॉक्यूमेंट को देखेगा, और आप कोर्ट में यह साबित कर देंगे कि ज़मीन बंटवारे का था और आपको बंटवारे में हिस्से में मिला था। फिर यह कोर्ट में साबित हो जाएगा कि आपका भाई आपके हिस्से का ज़मीन बेच दिया, फिर कोर्ट जो है उस ज़मीन पर स्टे लगा देगा, और अगर वह ज़मीन बिक चुका होगा तो भी उस बिक्री को कोर्ट खारिज कर देगा, वह बिक्री निरस्त हो जाएगा, उस बिक्री का कोई भी वैल्यू नहीं है, वह बिक्री इलीगल था क्योंकि ज़मीन किसी और का था और धोखे से कोई और ही बेच दिया, और जो आपके साथ धोखाधड़ी किया, धोखाधड़ी करके ज़मीन बेचा, यहाँ पर उसने क्रिमिनल ऑफेंस किया, कोर्ट उसे सीधे जेल तक भेज सकता है। इसलिए दोस्तों यह ज़रूरी है कि जब आपका बंटवारा हो तो आप अपना बंटवारा पूरे कानूनी तरीके से करें, ताकि कल को कोई अगर आपके हिस्से का ज़मीन बेच दे तो आप यह साबित कर पाएं कि मैंने बंटवारा किया था, इसके बावजूद भी मेरे हिस्से का ज़मीन बेचा गया। कई लोग मौखिक रूप से बंटवारा कर देते हैं। दोस्तों हो सके तो आप मौखिक रूप से बंटवारा करने से बचें, क्योंकि आज का जो समय है पहले जैसा नहीं है। आज के समय में किसी पर विश्वास करना बेकार है। लोग मीठी मीठी बातें बोलते हैं और कल को आपके साथ चीटिंग करते हैं, और ज़मीन के लिए तो भाई भाई में लड़ाई झगड़ा खून खराबा होता है, यह तो आपको पता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप पेपर से स्ट्रांग रहें, आप कानूनी तरीके से ही बंटवारा करें, आप पंचनामा बंटवारा करने से भी बचें। आप कानूनी तरीके से अगर बंटवारा करेंगे तो फिर अगर आपके साथ धोखाधड़ी होगा तो आप इसे साबित भी कोर्ट में आसानी से कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही कोर्ट में बोलते रहेंगे, कोर्ट आपकी बात नहीं मानेगा। दोस्तों अगर आप भी कानूनी तरीके से बंटवारा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका बंटवारा पूरी कानूनी तरीके से हो, तो आप यहाँ पर किसी वकील की मदद भी ले सकते हैं, वह आपका बंटवारा पूरे कानूनी तरीके से करवाएगा, वह सारे टर्म एंड कंडीशन को मेंशन करेगा, और वह वकील जो होगा इस तरीके से बंटवारा करेगा ताकि कल को कोई विवाद हो तो मामला आपके फेवर में रहे, कोई किसी के साथ चीट नहीं करे। तो दोस्तों अगर बंटवारा का पेपर रेडी करवाने में आप हमारी मदद लेना चाहते हैं, तो फिर जो स्क्रीन पर यह व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप मुझसे फ़ोन से बात करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करना होगा, जो कि मेरी पेड सर्विस है। इसके लिए आपको नॉमिनल से फ़ी पे करनी होगी। आप इस नंबर पर मैसेज करें, कितना फ़ी आपको पे करना है सारे चीज़ आपको व्हाट्सएप पर बता दिया जाएगा। आप बिना अपॉइंटमेंट लिए हुए इस नंबर पर कॉल बिल्कुल भी ना करें। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो और लोगों के काम आ सकती है, तो फिर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में भी शेयर करें।